हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आगे चल के भी बढ़िया रहना। तो आज मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी है जिसमें बात करेंगे टोटल गेमिंग के बारे में कि क्या टोटल गेमिंग बहुत ही जल्द फेस रिवील करने वाले हैं। एंड सच में मैं फेस रिवील से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। एंड इसके साथ ही हम बात करेंगे फ्री फायर के चार ऐसे यूट्यूबर बारे में जिनके चैनल पर स्ट्राइक आ गई है। एंड स्ट्राइक किसने दी, क्यों मारी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्री फायर में क्या खिचड़ी पकड़ रही है सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए बढ़ते अपनी पहली अपडेट, बात करते हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो आप लोग बताओ, ज्ञान गेमिंग अभी के टाइम पे कोलकाता में एक फ्लैट लिए हैं, वहीं पर रहते हैं। एंड उनके गाँव में भी दो घर है। एंड इसी से रिलेटेड कल प्रियंका ब्लॉग के चैनल पर एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने दिखाया कि ज्ञान गेमिंग यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले कौन से घर में रहते थे, एंड साथ ही यूट्यूब होने के बाद उन्होंने कौन सा घर बनवाया, एंड पूरे घर की होम टूर वीडियो भी लाई है। मैं उसका छोटा सा पार्ट प्ले करता हूँ, देख लो, फुल वीडियो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये है वो घर, इधर से सुजन ज्ञान गेमिंग बना है आज। सो इस घर में मैं बाद में जाऊंगी, पहले चलो इंटीरियर वाला घर में जाते क्योंकि हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। और सुजन की माँ गया है, वो जो डॉगी है बहुत भौंक रहा था इसलिए मैंने भेजा है। चलो ये है पहला वाला रूम और इसमें सुजन की मम्मी काथा स्टिच कर रहा है। वाओ। और चलो मैं इधर से दिखाती हूँ एक बार। ये है फॉल सीलिंग और इधर है टीवी कैबिनेट जो कि हम लोग नहीं रह रहे हैं तो इसीलिए तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की, बात करते हैं लोकेश गेमर के बारे में। तो आप लोग बताओ कि लोकेश गेमर के पास एक गोल्डन हेडफोन है एंड इतना ज्यादा महंगा होने के बाद भी कभी भी अपने लाइफ में गोल्डन हेडफोन का यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक वीडियो में उन्होंने बताया कि जो उनका गोल्डन हेडफोन है वो काफी हैवी है, मतलब भारी है, इसलिए उसका यूज वो नहीं करते हैं। सो गाइस, बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं गोल्डन हेडफोन और आईफोन कहाँ चल गया आपके। तो ये देखो, आईफोन तो यहीं पर रखा हुआ है गोल्डन, और हेडफोन आपको दिखा देता हूँ, वहां पे मैंने कॉर्नर में रखा हुआ है। मेरे कोई काम नहीं आता है, बहुत हैवी होता है तो मैं कान में भी कभी यूज नहीं करता हूँ उसको। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की, बात करते हैं नॉन स्टॉप गेमिंग के बारे में। तो आप लोग बताओ कि जो पबजी प्लेयर है एंड फ्री फायर प्लेयर है वो एक दूसरे को बहुत ही ट्रोल करते हैं, एंड कुछ बार तो न्यूज सामने ऐसे निकल के आती थी कि दोनों प्लेयर आपस में लड़ भी जाते थे। कल नॉन स्टॉप गेमिंग ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करते हुए कुछ मैसेज दिया हम लोग को, मैं वो मैसेज बताऊंगा नहीं क्या है, मैं आप लोग को रील दिखा दूँ, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो साथ में, हमेशा साथ रहना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली और बात करते हैं कुछ स्ट्राइक के बारे में। तो ये स्ट्राइक हुई थी शॉर्ट्स कम्युनिटी के यूट्यूबर के बीच, तो मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो एक एमजी अल्फा शॉर्ट क्रिएटर है, इनके अगेंस्ट कुछ यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे एंड इनको हेट दे रहे थे, एंड इसी से रिलेटेड इन्होंने कुछ यूट्यूबर को वार्निंग भी दिया था कि इनके अगेंस्ट वीडियो मत बनाओ। एंड इसके बाद न्यूज निकल के आती है फायर रोस्ट की तरफ से, फायर रोस्ट चैनल पे स्ट्राइक आ गई जो कि मारी थी एमजी अल्फा ने। एंड इसके बाद फायर रोस्ट टोमी ने बोला कि भाई ने स्ट्राइक मार दिया, प्लीज स्ट्राइक हटा लो। एंड इसके बाद एमजी अल्फा ने सैमी एफएफ को भी स्ट्राइक मार दिया, एंड सैमी एफएफ यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर कभी कंप्लीट हुए हैं, एंड उस बेचारे का अभी तक सिल्वर प्ले बटन भी नहीं आया है। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया एंड अपनी वीडियो में बोला कि उसका सिल्वर प्ले बटन अब कभी नहीं आएगा। एंड इसके बाद एमजी अल्फा रिप्लाई किया कि टेंशन ना ले, थोड़ा यूट्यूब के नॉलेज होगा तो पता होगा कि मैनुअल स्ट्राइक से सिल्वर प्ले बटन मिल जाती है, बस कम्युनिटी गाइडलाइन से नहीं मिलती। एंड बात कर ले सैमी एफएफ के बारे में, तो इसने भी एक बंदे को स्ट्राइक मारी है जिसका नाम है रिलैक्स हर्ष गेमर। एंड इसके बाद हर्ष ने कम्युनिटी पोस्ट में बताया कि सैमी एफएफ तूने गलत किया, एंड साथ ही स्ट्राइक वाली फोटो भी दिखाई। मतलब पता नहीं यार शॉर्ट्स कम्युनिटी में आजकल हो क्या रहा है, मतलब स्ट्राइक मारना तो यहाँ पे नॉर्मल सी चीज हो गई है। एंड आई थिंक यार स्ट्राइक किसी को नहीं मारनी चाहिए, अगर आप एक क्रिएटर होकर क्रिएटर के फीलिंग को नहीं समझोगे तो भाई और कौन समझेगा। एंड इसको छोड़ो, चलो बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की, बात करते हैं फ्री फायर के बारे में। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बताया था कि फ्री फायर स्पाइडरमैन के साथ कोलैब करने वाला था, एंड ये चीज अब कन्फर्म हो गई कि स्पाइडरमैन के साथ कोलैब होने वाला है। इसी से रिलेटेड गंगा फ्री फायर ने एक पोस्ट करी जिसमें उसने लिखा कि गेस व्हाट, एंड ये पोस्ट की गई है पाकिस्तान फ्री फायर ऑफिशियल के पेज पे, और मेरे को पता नहीं बांग्लादेश में भी नहीं किया गया है एंड इंडिया में भी नहीं किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट की, बात करते हैं स्काईलॉर्ड भाई के बारे में। तो आप लोगों को पता चल गया कि स्काईलॉर्ड भाई के न्यू सॉन्ग का टीजर आ गया है एंड इनका सॉन्ग 10 जून को रिलीज होने वाला है। एंड वैसे इस न्यूज को मैंने कल की वीडियो में ही कवर कर दिया था, मैं तो मेरे को ज्यादा बोलने की अभी जरूरत है नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की, बात करते हैं अनग्रेजुएट गेमर के बारे में। तो कल जब लाइव स्ट्रीम कर रहे थे वहीं पर इनका 8 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की, बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो क्या टोटल गेमिंग अपना फेस रिवील करने वाले हैं। तो टोटल गेमिंग आईपीएल स्टार्ट होने से पहले बोला था कि अगर आरसीबी ईसीएल का फाइनल जीतती है तो अपना फेस रिवील कर देंगे, एंड आईपीएल में से आरसीबी को इलिमिनेट होने के बाद न्यू मैन का रिप्लाई आता है कि अब और वेट करना होगा। एंड इसके बाद टोटल गेमिंग ने फाइनली रिप्लाई दे दिया, उन्होंने बोला कि इस साल फेस रिवील कर देता हूँ।
वैसे भी काफी टाइम निकाल दिया है यूट्यूब पे। एंड इसके बाद एक बंदे ने उस पर कमेंट करा कि मत कर, सारा फेम फेस रिवील से ही आ रहा है, फिर क्या होगा। एंड वैसे इस पे आप लोग क्या ओपिनियन, टोटल गेमिंग फेस रिवील करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मेरे कमेंट्स पे एक बार जरूर बोल देना। एंड आज के लिए बस इतने ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलना। एंड मेरे से बात करना चाहो तो मैं इंस्टा पे हूँ, इंस्टा का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में देखने को मिल जाए, चाहो तो मैसेज फॉलो कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।